के बारे में, इनका टाइम पीरियड 40 से 45, मैंने बताया था कि 40 से 45 के ही समय में ये क्या होते हैं, भाग खड़े हुए होते हैं, कौन हुमायूं, उसी के बीच में शेरशाह सूरी, क्योंकि 40 में आपका कन्नौज में जो युद्ध होता है उससे रिलेटेड, तभी हुमायूं हारते हैं और वहाँ से अपना छोड़ कर ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो सूरी वंश का एक तरह से कह सकते हो दिल्ली सल्तनत पे राज हो जाता है, पूरे दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। तो 40 से लेके 45 तक रहे, इसके बाद से इनके जो साथ इनके वंश के थे कुछ लोग, इनका बेटा रहा, फिर उनके बेटे का एक छोटा सा बेटा हुआ 14 साल का, वो 3 दिन के लिए बना, फिर सिकंदर सूरी बना। वही सिकंदर सूरी जब आपका 1555 में हुमायूं वापस आता है ईरान से सेना लेकर और मछीवाड़ा का युद्ध होता है तब, और प्लस एक जो आपका सरहिंद का जो युद्ध होता है, इन दोनों में उन सिकंदर शाह सूरी जो होता है उसके सैनिकों को हराता है हुमायूं और फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए इसका साम्राज्य कितना बड़ा था, शूर साम्राज्य जिसे बोला जाए, अफगान, दूसरा अफगान रूल दिल्ली में फिर से आता है, वो कितना बड़ा था ये देख लो। ये पूरा का पूरा यहाँ आपका सिंध से, ये सिंध वाला क्षेत्र है, यहाँ सिंध के पास से ये पूरा गया था, बस कश्मीर इसके अंतर्गत नहीं था, कश्मीर छूटा हुआ है, और ये पूरा कब्जा किया हुआ था यहाँ मध्य प्रदेश के में, ये मालवा वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान का इतना क्षेत्र, अजमेर नहीं था, कुछ राजस्थान का पार्ट था, कुछ तो नहीं था, पूरा यूपी कवर था इसमें, पूरा बिहार कवर था, और इधर आपका बिहार बंगाल वाला जो साइड था, आपका जो बांग्लादेश वाला साइड है वहाँ तक ये पूरा कवर किया हुआ था। ठीक, तो ये पूरा का पूरा इनका सबसे बड़ा जो है साम्राज्य था। अब बढ़ जाते हैं शेरशाह सूरी के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, मैं इसे ब्राइट कर दे रहा हूँ। देखिए इनका जो जन्म है, अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके हिसाब से मैंने बताया है, जो सबसे जाना माना बताया जाता है, अप्रोक्सीमेशन जिसका सही है वो कानूनगो का है, वो कहता है इनका जन्म जो होता हुआ था वो 1472 में हुआ था। ठीक है, इनके हिसाब से कहाँ हुआ था, बैजवाड़ा के होशियारपुर जगह में हुआ था, और इनके जो पिता थे हसन, ठीक, उनकी जो बीवी थी अफगानी बीवी थी, उन्हीं से इनका जो है जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम जो था वो क्या था, फरीद खान था। क्या नाम था, फरीद खान था। उसके बाद से बाद में ये एक बार शेर का जो शिकार करते हैं, तो इनके पा जो पिताश्री होते हैं हसन खान लोहानी, ये क्या करते हैं, इनको शेर मारने के उपाधि में शेर मार देते हैं, तो शेर खां की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, तभी से ये शेर खां के नाम से जाने जाते हैं। और अपने एक पुत्र था इनका बड़ा वाला पुत्र हसन लोहानी का, तो उसका ये क्या कर देते हैं, संरक्षक नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, इनका पहले नाम था क्या, फरीद, फिर बाद में जब शेर का शिकार करते हैं तो इनके पिताश्री इनको शेर खां की उपाधि दे देते हैं और अपने बड़े बेटे का संरक्षक जो है नियुक्त कर देते हैं। शेर खां के बारे में कहा गया है कि शेर खां चंदेरी का जब युद्ध हुआ था, ठीक है, उस समय बाबर के साथ में था, और उस चंदेरी के युद्ध में इसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, क्या कहा था, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और यही होता है, जब बाबर मरता है, हुमायूं आता है, तो एक समय आता है कहीं ना कहीं इसके दिमाग में पलता रहता है कि दिल्ली की गद्दी को हथियाना है। ठीक है, तो इसके कथन जो है सही हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट बोल रहा है, उसके बाद से ये क्या करता है कि आपका बिहार के एक जो शासक होते हैं जिनका नाम रहता है मोहम्मद शाह, जिसे बहार खां लोहानी भी बोला जाता है, ठीक, उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद उनकी जो विधवा पत्नी होती है जिनका नाम होता है दादू बेगम, उनसे ये शादी कर लेता है और बिहार का एक तरह से बोला जाए शासक बन जाता है। ठीक है, दक्षिणी बिहार का ये शासक बन जाता है, और अपने शासन में ये क्या करता है, सिर्फ योग्य व्यक्तियों को जी, ठीक है, अपने शासन में भर्ती करता है। उसके बाद से 1529 में क्या होता है, शेर खां महमूद लोधी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया था। ठीक, अगला पॉइंट ये है कि 1529 में शेर खां ने जब घाघरा का युद्ध हुआ था, महमूद लोधी ने भाग लिया था अफगानों की तरफ से, तो ये तो हार गए थे, तो उसमें इनकी पराजय होती है, और 1529 में ही क्या करता है शेर खां जो है बंगाल के शासक जो होते हैं नुसरत शाह, उन पर आक्रमण करता है और उन्हें हरा देता है, और हजरत ए आला की उपाधि लेता है। कौन सी लेता है, हजरत ए आला की उपाधि लेता है जब बंगाल पे आक्रमण करता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, 1530 की बात है,
1530 में चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया, बहुत से अधिक संपत्ति को प्राप्त किया। ठीक है, जब मैंने बताया था ना आपको, जब कलिंजर पर हुमायूं अटैक करता है और आपका बहादुर शाह रहता है कि बहादुर शाह की शक्ति बढ़ेगी, तो बहादुर शाह के हेल्प करने के लिए ये अफगानी जो हैं आपके बंगाल से और बिहार से आते हैं, जिसमें महमूद लोदी और आपका शेर खां भी रहता है। शेर खां चलाक रहता है, ये चुनार के किले पर आक्रमण करके वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लेता है, मगर जो महमूद लोदी होता है वो जौनपुर तक पहुँच जाता है जहाँ हुमायूं का उससे भिड़ंत होता है और वो हार जाता है। दोहरिया नामक जगह मैंने बताया था यूपी में, वहीं पर इसका भिड़ंत होता है। और यहाँ पे मैंने बताया भी, ये सब पॉइंट बता दिया कि दोहरिया में इसका कोई खासा रोल नहीं रहता है, पहले ही चुनार में रुक जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद से 34 में शेर खां जो है सूरजगढ़ का युद्ध लड़ता है। मैंने ये भी बताया आपको प्रीवियस में, हुमायूं वाले में युद्ध लड़ता है बंगाल में और इसकी शक्ति जो है बढ़ जाती है और ये पूरी तरह आगे चल के 38-39 तक बंगाल को अपने कब्जे में कर लेता है। और वहाँ के जो शासक होते हैं, मैंने बताया था 13 लाख दिनार उनसे कहता है कि अब हमें सालाना दो। ठीक, और यहीं से इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और वही 1539 में आपका चौसा का युद्ध होता है जहां हुमायूं को ये पराजित कर देता है। चौसा बक्सर के पास है। ठीक, और जैसे ही ये भाग जाते हैं फिर से आगरा, और हुमायूं आपका शेरखा जो है इसका इनका पीछा करते करते हुमायूं का कहां पहुंच जाता है, आपका कन्नौज पहुंच जाता है। फिर दोनों में युद्ध होता है 1540 में। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध होता है और यहाँ पे पूरी तरह से हुमायूं बहुत बुरी तरह से हारता है और यहाँ से वो भागता फिरता है। और यहीं से क्या कहा जाता है कि आपका एक तरह से 1540 में उत्तर भारत में सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। शेर शाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर मुगलों के वफादार, ठीक है, मुगलों के एक वफादार जो लोग होते थे उत्तर भारत में, उन्हें गखरों कहा जाता था, उन पर आक्रमण करता है कि वो जो वफादारी मुगलों के खिलाफ थी उसे जो है तोड़ सके। लेकिन कुछ लोग हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, मगर कुछ जो गखरों होते हैं वो उन पे जो है अपना जो है शासन नहीं चला पाता है। ठीक है, फिर बाद में उन्हें छोड़ देता है और आगे चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ कहाँ है भैया, बिहार में है। ठीक है, तो रोहतासगढ़ किला बनवाता है ताकि उसकी जो है सीमा जो है सुरक्षित रह सके। और वहाँ पे अपने दो खास सैनिकों को नियुक्त करता है, हैबत खां और ख्वास खां को। ठीक है, इन लोगों को उसकी रक्षा के लिए नियुक्ति करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या था। 1542 में शेर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ इसका साम्राज्य जो है जैसे दिल्ली पे बैठा, तो अब जितने लोग उसके अपोज में थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको दबाने का काम ये शुरू कर देता है। और पहले ही 1542 में कहाँ आक्रमण करता है, मालवा पर आक्रमण करता है और वहाँ पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद से 43 में रायसीन, मैंने बताया था ये MP में है आपका, रायसीन का किला कहा जाता है, ये आक्रमण करता है वहाँ पे और राजपूत शासक पुरनमल को विश्वासघात करके मार डालता है। ठीक है, उनके साथ विश्वासघात कर देता है, मार डालता है, जिसके कारण वहाँ की जितनी भी राजपूतों की पत्नियाँ होती हैं वो क्या कर लेती हैं, स्त्रियाँ होती हैं वो जौहर कर लेती हैं। ठीक है, और इसी में कुछ लोग कहते हैं कि इस रायसीन के में जो है विश्वासघात के कारण मारने की वजह से इसका पुत्र जो शेर खां का पुत्र था वो आत्महत्या कर लेता कि यार पिताश्री तुम क्या ये मतलब ये ऐसी हरकत कर दी है कि तुमने विश्वासघात किससे क्यों मारा, लड़ना था तो एकदम आमने सामने लड़ते, अगर वो डिफेंड करता। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 1544 की बात है, शेर खां ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण करता है और इस युद्ध, ठीक है, और इसे भी अपने मारवाड़ को भी अपने अधीन कर लेता है। और इस युद्ध में अधीन तो करता है, लेकिन इस युद्ध में उसे ऐसा हो जाता है कि भैया वो सोच नहीं पाता था कि ऐसा युद्ध भीषण युद्ध होगा, इतना भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि इस युद्ध ये जो युद्ध होता है जोधपुर और अजमेर के मध्य में एक जगह है समेल नामक जगह, यहाँ पे होता है। काफ़ी जो है इसके जो राजपूताना सैनिक होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं कौन, सरदार जैता और कुप्पा, ये दोनों भयंकर लड़ते हैं और शेरशाह सूरी के जो आपके सेना होते हैं उनके छक्के छुड़ा देते हैं, जिसके कारण शेरशाह सूरी कहता है कि भैया मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसी पर जब आक्रमण किया तो इतना भयंकर युद्ध हुआ
कि ये इसी पर ही अपना नियंत्रण किया रहा और बाकी सब क्या हुआ जो इसने साम्राज्य बनाया था, धीरे धीरे सभी लोग स्वतंत्र होने लगे क्योंकि इसका केंद्र मालवा हो गया। तो इसीलिए इसने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके संदर्भ में शेरशाह सूरी ने ये कहा था, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, 45 पे बढ़ जाते हैं और लास्ट इसका युद्ध होता है शेरशाह सूरी का, कलिंजर पे ये आक्रमण करता है जहाँ के राजा रहते हैं किरत सिंह। और ये युद्ध क्यों करता है, क्योंकि उनके यहाँ किरत सिंह के यहाँ जो नाचने गाने वाली एक लड़की रहती है उसको ये कहता है किरत सिंह के कि भैया तुम वो मुझे दे दो, ठीक। लेकिन किरत सिंह नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या करता है शेरशाह सूरी उन पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करते ही एक बोला जाता है कि आपका आग लगा हुआ उक्का जो है जहाँ बारूद होता है वहाँ पे आकर जो है आपका गिर जाता है, और वहीं पर शेरशाह सूरी जो है खड़ा रहता है और बारूद पे जब वो आग का गोला जो गड़ता है तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक। और उसी में शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और उसकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, दिल्ली की गद्दी पर उसी का उत्तराधिकारी बैठेगा और उसका नाम क्या था, इस्लाम शाह था, ठीक है, उसका पुत्र था। और ये गद्दी पर बैठता है और 53 तक ये शासन करता है, ठीक है। उसके बाद से इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका एक पुत्र होता है, बहुत छोटा रहता है, फिरोज नाम रहता है, उसे सुल्तान बनाया जाता है और ये सिर्फ मात्र 3 दिन के लिए सुल्तान बनता है। उसके बाद से आपका सिकंदर सूरी आ जाता है और सिकंदर सूरी दिल्ली की गद्दी को संभालता है। उसी के बाद हुमायूं जो है आपका रिटर्न होता है, हुमायूं रिटर्न, ठीक है, कहाँ से, ईरान से, और 55 में फिर से सूरियों को हरा देता है और मंगोल की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इनके प्रशासन के बारे में कुछ। सूरी साम्राज्य खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं था किसी के शासक का, ठीक है। एक शेरशाह सूरी था, उसके बारे में मैंने बता दिया, उसके आक्रमण क्या थे, कौन कौन सा टाइटल उसने लिया था। मेन है इसके शासन व्यवस्था से आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में, तो शासन व्यवस्था देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन, इसका जो शासन था वो सेंट्रलाइज था, ठीक है, सेंट्रल में सभी पावर थे, वहीं से जो आदेश दिए जाते थे वहीं फॉलो होता था, ठीक है। तो इसका जो व्यवस्था था प्रशासन का वो केंद्रीकृत था। अब इसमें होता क्या था कि शासक स्वयं शासन का प्रधान था और संपूर्ण शक्तियाँ उसी में केंद्रित थी, मतलब जो आपका शासक था उसी में सभी शक्तियाँ क्या थी, समाहित थी, ठीक। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निश्चय है कि मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था, किंतु वो मुगलकालीन मंत्रियों की तरह नहीं था। क्यों, जो मुगलकालीन में जो मंत्री नियुक्त होते थे उन्हें अधिकार होता था कि आप कोई भी आदेश दे सकते हो, मगर यहाँ शेरशाह सूरी के जो साम्राज्य था उसमें ऐसा नहीं था। यहाँ ये था कि अगर आप मंत्री आपको बनाया गया है तो आप अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, किसी का जो है कॉन्क्लूजन नहीं दे सकते हो। वो कौन देगा, वो सुल्तान देगा, आपका जो राजा रहेगा वही देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मंत्रियों की पावर क्या कर दी गई थी, कट कर दी गई थी, ठीक था। स्वयं निर्णय लेने की इनको क्षमता नहीं दी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, इनके मंत्री के बारे में देख लेते हैं कि क्या थे। शेरशाह के सल्तनतकालीन व्यवस्था के आधार पर 4 विभागों की व्यवस्था की थी जो निम्नलिखित है, ठीक है। इनके जो मंत्री थे वो 4 विभाग में बटे हुए थे, वो कौन कौन से, देखो, दीवाने वजारत, ये आपका क्या था, ये एक विभाग था, इसके अंतर्गत जो मंत्री आपके नियुक्त होते थे उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान, मतलब लगान वसूलना, अर्थव्यवस्था का वो मुखिया होता था, ये सब उन्हीं के हाथों में होता था, देख लेख कि कितना राज्य में इनकम आया है और कितना खर्च हुआ, ये सब उन्हीं का दायित्व होता था, उनको मेंटेन करना होता था, ठीक है। दीवाने आरिज, इसके बारे में मैंने बहुत शुरू से ही पढ़ाते आया हूँ कि ये दीवाने आरिज का मतलब क्या होता है, सैन्य विभाग होता है, सेना का संगठन होता है, इसमें जितना भर्ती, आपके राशन पानी, शिक्षा से रिलेटेड जो होता था ये देखभाल करता था, कौन, दीवाने आरिज करता था। परंतु यहाँ ना तो सेनापति और ना ही सैनिकों की भर्ती करता था, मतलब इसमें ये था, पहले क्या होता था, दीवाने आरिज के तहत ही सेनाओं की भर्ती होती थी, ठीक है, यहाँ और लोगों की भर्ती होती थी मगर सेनाओं की नहीं होती थी। यहाँ पे सैनिक भर्ती, ठीक, और सेनापति की भर्ती किसके निर्देश अनुसार होता था, किसके दिशा निर्देश अनुसार होता था, वो शेरशाह सूरी के दिशा अनुसार होता था, ठीक है। अगर शेरशाह सूरी वहाँ बैठा है तभी जाके सेनाओं की भर्ती होगी, अदरवाइज नहीं होगी, किसी और मंत्री के अंतर्गत नहीं होती थी, ठीक है।
तो इस दीवाने आरिज में ये अलग से था कि अगर जब भर्ती होनी होती थी आपकी सेना में लोगों की, तब क्या करता था, शेरशाह सूरी को बुलाया जाता था कि भैया आप आओ और देखो कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है सेना में भर्ती होने के लायक। ठीक है, आ जाते हैं अगला जो आपका विभाग था वो था दीवाने रसालत। ये क्या था, ये विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। ठीक, अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार और उनसे संपर्क रखना इसका मुख्य उत्तरदायित्व था। ठीक है, ये विदेश विभाग था, जितने भी इसके समकालीन राज्य थे उनसे अपना जो है व्यवहार रखने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये दीवाने रसालत आपका विभाग बनाए थे, जहाँ के मंत्री जो है उनसे जो है पत्र के थ्रू जो है बातचीत करते थे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला आपका देख लेते हैं दीवाने ईसा। अगला विभाग था क्या, दीवाने ईसा। इसका कार्य सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखन रखना तथा राज्य के विभिन्न भागों में उसकी सूचना पहुंचाना था। मतलब सुल्तान जो भी आदेश देता था उसे राज्य तक पहुंचाना, उसे लोगों तक पहुंचाना किसका काम होता था, दीवाने ईसा का काम होता था। मतलब ये जो भी प्लान होता था, जो भी उसको एग्जीक्यूट कराता था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर AL श्रीवास्तव के अनुसार दीवाने काजी और दीवाने वारिद नामक दो अधिकारी भी मंत्री पद के ही समान थे। ठीक है, ये भी दो लोग थे इनके अनुसार, जिसमें दीवाने काजी का क्या काम था कि वो न्याय से रिलेटेड काम करता था, जबकि जो दीवाने वारिद थे वो क्या करते थे, वारिद मैंने इससे पहले भी बताया था, गुप्तचर विभाग था और डाक व्यवस्था की देखभाल करता था। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि दीवाने वारिद का काम क्या था शेरशाह सूरी के साम्राज्य में, वो गुप्तचर विभाग था और आपका डाक व्यवस्था जो था उसका जो क्या देखभाल करता था। ठीक, और कौन सा एक नया था, दीवाने काजी था, इसका क्या काम था, वो न्याय का काम करता था। अगला है पॉइंट, इसके प्रांतीय शासनों के बारे में देख लेते हैं, जो इसके प्रांत थे उसमें शासन ये कैसे चलाता था। ठीक है, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। सरकारों मतलब एक छोटा सा डिवीजन होता है पार्ट में, जिसे आप प्रांत राज्य बोलते हो, वैसे ही अपने वो पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। ठीक है, सूबा और इक्ता, जिसे जो बांटा गया था, कुछ उसमें सर में सूबा होते थे कुछ इक्ता होते थे, वो कैसे होता था वो देख लो। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में बहुत कम पता लगता है। ठीक है, जो प्रांतीय प्रशासन थे उसके बारे में बहुत कम पता लगता है, मगर डॉक्टर AL श्रीवास्तव कहते हैं शेरशाह के समय में एक तो उन हिंदू राजाओं के राज्य थे जिन्हें आधिपत्य स्वीकार करने के बाद वापस कर दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अनुसार ये था कि जब शेरशाह सूरी कहीं कब्जा करने गया, सपोज करो अटैक कर रहा है, मालवा पे अटैक किया, तो अब उस अटैक करने के बाद वहां अपना कब्जा कर लिया, वहां के जो राजा थे सरेंडर कर दिए इसके आगे, तो वो क्या कहता था कि भैया ठीक है अब तुम क्या करो अपना राज ले लो और इसे चलाओ, मगर ये मेरे दिशा निर्देश अनुसार होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे को यहाँ पे ये बोला है शेरशाह सूरी ने कि ऐसे कुछ राजा थे जिन्हें वो जीतने के बाद उन्हीं पर फिर से छोड़ देता है कि भैया तुम ही जो है चलाओ। इसके अतिरिक्त ऐसे सूबे थे जिन्हें एकता पुकारा जाता था, कुछ ऐसे हिस्से थे जिन्हें क्या पुकारा जाता था, एकता पुकारा जाता था। ये क्यों, क्योंकि इसमें आपके फौजी गवर्नर और सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। इसमें क्या होता था कि इसमें जब भी अटैक करता था जिस जगह पे, उसे अपने अंदर अपने जो है साम्राज्य में मिला लेता था और वहां पे अपने ही किसी चहेते को जो है भेजता था कि यहाँ पे तुम राज करो इस जगह पे इस प्रांत पे। ठीक, उसी को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, और वहां पे जो सूबेदार नियुक्त होता था उसके साथ एक फौजी गवर्नर भी नियुक्ति होती थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और सबसे बोला जाता है कि शेरशाह सूरी में बंगाल का जो प्रशासन था, बंगाल इसके प्रशासन में जो पूरे जितने इसने बनाया था बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। जिस शेरशाह ने बंगाल के सूबे को 19 सरकारों में बांटा था, मतलब जो बंगाल आपका प्रांत था उसको 19 हिस्सों में छोटे छोटे सरकारों में बांट दिया था। अब उसको देख लेते हैं, प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी। ठीक है, जो आपका 19 सरकारों में बांटा था, सरकारों मतलब जानते हो क्या होता, छोटे छोटे एकदम उसके पार्ट। ठीक, बंगाल के छोटे छोटे पार्ट, क्या ताकि जो शासन चल सके बहुत अच्छे से चल सके, सबकी जो है डिमांड जो है पूरी हो सके, इसीलिए इसने ऐसा किया था।
ठीक, एक सैनिक अधिकारी जिसे सिकादार कहा जाता था, नियंत्रण के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी जिसे अमीर ए बंगाल की नियुक्ति होती थी। ठीक है, क्या क्या जो सूबा होता था आपका, उसमें क्या करता था, उसको सरकार में डिवाइड होता था। हर एक सरकार को एक सैनिक अधिकारी जिसे सिकादार कहते थे, और उसकी सहायता के लिए असैनिक अधिकारी ऑफिसर होता था। यह सैनिक अधिकारी नहीं होता, जिसे अमीर ए बंगला की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह का आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, कि ऐसा कि मतलब अगर कोई विद्रोह उद्रोह होता है उस आपके कहाँ सरकार में, ठीक उस प्रांत में, उस जगह पे, तो वो उसे शांत कर सके। ठीक, कानून को जो आपके इतिहासकार हैं वो कहते हैं शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। मतलब ये जो जितना भी ये अपना शासन व्यवस्था बनाए थे वो सबसे अच्छा सुचारू रूप से जो चला था वो कौन था, बंगाल प्रांत था। यहाँ पे इनके शासन को देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जो सरकारों जिसे जिला कह सकते हो, मैंने बताया ना छोटे छोटे जिला में बनाया था, और हर जिले में एक सिकादार और एक आपके किसे नियुक्त किया था, असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया था। तो अब सरकारों के बारे में हम जान लेते हैं कि वहां का प्रशासन कैसा था। प्रत्येक एकता या सूबा, ठीक है, जो प्रत्येक एकता या सूबा होता था उसको अनेक सरकारों में बांटा होता था। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी होते थे, जितने भी एकता जो आपके प्रांत होते थे उसको क्या करता था, सरकार में बांट दिया जाता था। ठीक है, और उस सरकार में मतलब जिलों में बांट दिया जाता था। उस सरकार में आपके प्रत्येक सरकारों में दो प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन कौन से होते थे देख लो, सिकादार ए सिकादारान। ठीक है, सिकादार का पद अधिक सम्मानित था, वह एक सैनिक अधिकारी होता था। ठीक है, इसका काम क्या होता था, सैन्य व्यवस्था को कंट्रोल करना होता था। इसका क्या नाम था, सिकादार ए सिकादारान। ठीक, ये आपकी पोस्ट थी जो आपके कहाँ सरकारों में होती थी, आपके जिलों में होती थी। अगला कौन सा पोस्ट था, उसका कार्य देख लो, जो आपका सिकादार था उसका कार्य सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना था, अधीनस्थ सिकादारों के कार्यों को देखभाल करना था। ठीक है, जितने भी उसके अधीन जो लोग आते उनके सिकादारों के जो था कामकाज उसको भी इस देखना इसी के अंतर्गत आता था। उसके बाद से आ जाओ मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, मुंसिफ ये किस पे होते थे, सरकारों पे होते थे। सरकार जहां मतलब जो जिला होता था वहां पे ये दो अधिकारी होते थे, मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी था, वह दीवानी के मुकदमों का फैसला करता था। जितने भी दीवानी के आपके कोर्ट कचहरी होती थी ये कौन हैंडल करता था, मुंसिफ ए मुंसिफान ये करता था। अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों को भी देखता था, और इसके अधीन जितने भी मुंसिफ आते थे, ठीक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, उसको भी ये आपका कामकाज देखता था, उसको भी अपने कंट्रोल में रखता था। परगने का शासन देख लें। ठीक, परगने का शासन कैसे चल रहा था, देखो प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बंटा था। पहले क्या था, आपका जो एकता है इसे किस में डिवाइड किया गया, आपका सरकार में, और सरकार को किस में डिवाइड किया गया, परगना में। ठीक है, सब डिवीजन थे। पहला आपका सबसे बड़ा आपका सूबा या एकता होता था उसको डिवाइड किया गया किस में, सरकार में, और सरकार को किस में डिवाइड किया गया, आपका परगने में। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में बांटा हो जाता था, जिसमें एक सिकदार, ठीक है, और जो ऊपर वाला मैंने पोस्ट बताया वो किस में होता था, वो सरकार में होता था। ठीक, सिकदार ए सिकदारान। ठीक, ये पोस्ट अलग है और सिकदार अलग है, सिकदार उसी के अंतर्गत आता है। ठीक, वो जिला में बैठा होता है, और ये कहाँ बैठा होता था, आपका परगना जो होता था उससे छोटी वाली यूनिट वहां पे होता था। तो हर एक परगने में एक सिकादार, एक मुंसिफ, ठीक एक मुंसिफ ये भी यहाँ के न्याय करने के लिए, और एक फौजदार, और दो कारकुन जिसे क्लर्क भी बोलते हो वो होते थे। उसके बाद देख लेते हैं, सिकादार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था। ठीक, सैनिक दस्ता मतलब पूरा का पूरा एक सैनिक जो है लेके आया रहता था, ये सिकादार होता था, कि अगर कोई विद्रोह उद्रोह होता है पूरा बटालियन इसके साथ होता था, कि अगर कोई विद्रोह होगा तो उसे वो शांत कराएगा, उसका यही दायित्व तो रहता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, जो आपका परगना है उसमें इसका काम होता था। मुंसिफ का
का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना तथा भूमि का नाप एवं लगान की व्यवस्था करना। ठीक है, जो आपका ये परगना होता था, सबसे बड़ा आपका क्या होगा, सबसे बड़ा आपका होता था सूबा एकता, उससे छोटी वाली, उससे छोटी जो यूनिट होती थी उसमें डिवाइड किया जाता सरकार, और सरकार को जब डिवाइड किया जाता था वो क्या होता था, परगना। तो परगना में जितने भी आपके मुकदमे होते थे वो कौन करता था, मुंसिफ करता था। अब ये नहीं हैंडल कर पाता था तो ये कहाँ भेज देता था, सरकार के पास भेज देता था। तो सरकार में जो बैठा रहता था वो कौन था, जिला पे जो बैठा रहता था, मुंसिफ ए मुंसिफान, ये था, ये उस मुकदमे को देखता था जब यहाँ से हैंडल नहीं होता था। वही वाली बात हो गई ना कि आपके जिले में सिविल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला। ठीक, तो ऐसे ही ये भी शासन ऐसे चल रहा था। ठीक, तो इसके मुकदमे को देखना था, प्लस भूमि पे नाप और लगान की व्यवस्था भी ये देखता था। आगे बढ़ जाते हैं, और इसके अतिरिक्त फौजदार, खजंची तथा कारकुनों का कार्य हिसाब किताब रखना था। मतलब जितने भी परगना में आपका इनकम आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है वहाँ पे, सबको सैलरी वैलरी देने के बाद, ठीक है, वो सब हिसाब किताब कौन रखता था, फौजदार, खजंची तथा कारकुनों, सबकी अलग अलग जो है आपके डिवीज़न थे कि सैन्य व्यवस्था में जो खर्चा होगा आप जो देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जनता पे जो खर्चा होगा इसे आप देखोगे, तो सभी लोग अपना अपना रजिस्टर क्या करते थे, मेंटेन करते थे। आगे बढ़ जाते हैं गांव, अब उससे छोटी यूनिट जो है गांव के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया कौन सा, सूबा, उसका छोटा यूनिट, आपका हो गया सरकार, सरकार का परगना, परगना के बाद छोटा यूनिट उससे गांव के बारे में देते। तो गांव में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया था शेरशाह सूरी ने, जो पहले से चलता आ रहा था वही चल रहा था। इसमें जितने भी कार्य थे वो किसके अंतर्गत थे, चौकीदार, पटवारी, प्रधान जो भी होते थे वो सरकार, वही इनका जो है पूरा का पूरा गांव को नियंत्रण करते थे, उन्हीं के अंतर्गत ये जितनी भी आपकी सुरक्षा और गांव की शिक्षा सफाई ये सब उन्हीं के अंतर्गत आती थी। आ जाते हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं शेरशाह सूरी के, ये क्या था, केंद्र सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो था, आपके जो केंद्र में सरकार बैठी मतलब जो शेरशाह सूरी था उसमें पास जो राजकोष था वहां पे पैसा कैसे आए, कहां से आता था, वो कहां से आता था भैया, लगान से, जो लवारिस संपत्ति पड़ी होती थी वहां से, व्यापारिक कर से, ठीक है, नमक के कर से आदि, कई ऐसे होते थे जहां से आपके जो कर वसूले जाते थे वहीं से राजस्व में पैसा आता था। देखो शेरशाह वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, मेन जो था वो भूमि पर जो कर लगाया जाता था वही सबसे ज्यादा, वहां से सबसे ज्यादा आपका कह सकते हो पैसा आता था। ठीक है, अब इनके ये देख लेते हैं कि शेरशाह के लगान व्यवस्था जो थी वो मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसे आप लोग इस समय कहते हो ना रैयतवाड़ी व्यवस्था, वही रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता था, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था, कि जो भी आपका कर लिया जाना होता था, ऐसा नहीं था कि किसानों के ऊपर कोई जमींदार बैठाया गया होता था, यहाँ पे यह था कि किसानों से डायरेक्ट आपके जो जाते थे अधिकारी और उनसे क्या करते थे, जितना उपज होता था उस हिसाब से उनसे कर लेते थे। अब वो सिस्टम कैसा था कर लगाने का वो आगे देख लेते हैं। देखो आगे ये है कि शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि के तीन श्रेणियां जो है विभाजित किया था, कि अगर जैसे आपके खेतों में उत्पाद होता है उसी के हिसाब से उसने क्या किया था, खेतों का डिवाइड कर दिया था, जैसे अच्छी खेत, मध्यम और खराब, ये क्या है, ये तीनों खेत के प्रकार हैं, कि अगर आपके खेत में उपज अच्छी है तो उसे क्या बोला जाता था, वो खेत अच्छा है, अगर उसमें चलो एवरेज खेती होती है, एवरेज उसके पैदावार हैं तो आप कह सकते हो मध्यम है, अगर कोई नहीं खेती होती तो खराब की कैटेगरी में आता था। ठीक है, तो अब यहाँ से अब लगान कैसे निर्धारण करना है, शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः तीन प्रकार की प्रणालियां अपनाई थी, कौन कौन से थे वो देख लो, एक था गला बख्शी अथवा बटाई, नस्क या मुक्ताई अथवा कानकूत, और नगदी अथवा जब्ती। मतलब ये सब आपके थे ऐसे कि आप जो इस प्रकार से कर दे सकते हो, या आप गल्ला कर की जो पैसा आपका आता है तो उसकी जगह पे या तो आप गल्ला दे सकते हो, या आप उस पर कैश दे सकते हो, ठीक, या अनाज दे सकते हो, इस हिसाब से आप जो इन तीन प्रकार से आप अपना कर जो है सरकार को दे सकते हो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं,
अगला है आपका पॉइंट, शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई को लागू करवाया। राई क्या था भाई ये? राई को लागू कराया मतलब कि भूमि कर के लिए इसने क्या किया, जितने भी किसान आपके थे, जितने खेती करने वाले लोग थे, राई उसे बोला गया कि इनकी एक सूची तैयार किया रजिस्टर पे कि कितने लोग हैं जो जो कौन कौन सी खेती ये लोग करते हैं, किस किस सीजन में करते हैं, तो उसी को राई बोला गया कि फसलदारों की एक सूची जो है तैयार कराई गई। ठीक, शेरशाह ने भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया। इसने क्या किया कि भूमि की किस्म, मैंने बताया भूमि की किस्म, इसने पहले बता दिया था कि अच्छी भूमि है या मध्यम भूमि है या खराब भूमि है, उसके हिसाब से और उस भूमि के उत्पादन के हिसाब से सबका औसत निकलवाया कि जैसे मान लो अभी 3-4 महीने में कौन फसल जो बोई गई उसमें कितना उत्पाद हुआ, फिर अगले वाले में कितना उत्पाद हुआ, इन सबका एवरेज लेकर वो क्या करता था, कर लगाता था। वो क्या था कि एवरेज ले लिया, उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक, एवरेज निकाल के जो पूरा टोटल एवरेज आएगा कि इतना साल भर में इनका उत्पादन होता है, उसका 1/3 जो है ये कर के रूप में वसूलता था। आगे बढ़ जाते हैं, शेरशाह द्वारा प्रचलित तीनों प्रणालियों में जब्ती एवं जमाई, जिसे मापन पद्धति भी कहा जाता था, व्यवस्था किसानों में अधिक प्रिय थी। ठीक, जबकि उन्हें तीनों में से किसी भी प्रणाली को अपनाने की छूट थी। ठीक है, शेरशाह ने सब छोड़ दिया था कि आपको जो भी है आप ले सकते हो, कि इसमें से किस हिसाब से आप कर दे सकते हो। तो किस आपको किसानों को जो सबसे प्रिय था व्यवस्था वो कौन थी, जब्ती या जमाई, मतलब जिसे मापन पद्धति भी कहा जाता, माप के हिसाब से आपको कर देना होता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, शेरशाह द्वारा प्रचलित रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भूभागों में लागू थी। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो रैयत वाली व्यवस्था उसने लागू किया था शेरशाह सूरी ने, वो किस आपके प्रांत में लागू नहीं थी, तो याद रखना कौन सा प्रांत था, मुल्तान प्रांत था, जहाँ पे इसकी ये जो लगान व्यवस्था थी वो लागू नहीं थी। मुल्तान में वही व्यवस्था लागू थी जो पहले से चली आ रही थी, जिसे आप बटाई या हिस्सेदारी प्रथा कह सकते हो। ठीक, जिसमें क्या होता था, उत्पादन का 1/4 कर जो है वसूल किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखो शेरशाह के समय लगान नगद या जिंस, मतलब अनाज के रूप, मतलब दोनों रूप में आप दे सकते थे। आपको छूट थी कि आप कैसे जो है कर जो है देते हो, या तो अनाज दे दो या उसी के बदले में जितना उसका भाव है, आपका जो कर आ रहा है, ठीक है, या तो उतना रुपया दे दो। ठीक, ये दोनों आपके छूट दिया था शेरशाह कि आप जैसे मन करे वैसे दे सकते हो कर को। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि पर प्रति भूमि दोनों का नाप कराया। इस कार्य के लिए उसने अहमद खां की सहायता ली थी, जिसे हिंदू ब्राह्मणों की मदद से यह काम पूरा किया। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदुओं की भी सहायता लिया था, तो ऐसे बोल सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति ये थोड़ा उदार था। ठीक, लेकिन कुछ शासन चलाने के लिए कभी कभी क्या हो जाता था, ये जो है उदार नहीं, ये बोला जाता है, कुछ इतिहासकार बोलते थे कि ये जो है बाहर से मुस्लिम था, अंदर से थोड़ा हिंदू प्रवृत्ति का इंसान था। ठीक, वो क्यों था वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज, जो सिकंदर सा आपके सिकंदरी गज जो था सिकंदर लोधी ने निकाला था भूमि मापन के लिए, उसी का इस्तेमाल इसने किया था। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य के उत्पादन का 1/3 भाग कर्म के रूप में लिया, जबकि मुल्तान से इसने 1/4 लिया, यही मैंने बताया आपको। ठीक, आगे आ जाते हैं, मालगुजारी जिसे लगान कहते हैं, कि अतिरिक्त किसानों को और कौन सा कर देना होता था, जरीबाना, ठीक है, और कौन सा एक महासिलाना कर दिया देना था। और एक तो लगान देते ही थे किसान, और दो कर और एक्स्ट्रा देते थे, वो कौन कौन से थे ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जरीबाना और महासिलाना, ये कर क्या थे, कि जो जरीबाना था ये सर्वेक्षण शुल्क था, कि जो भी उनके रक्षा में लोग रहते थे, ठीक है, सेना रहती थी, उसके लिए कर इनसे वसूला जाता था। दूसरा क्या था, महासिलाना, ये कर क्या था, कर संग्रह शुल्क था, कर जो ये कितना था, ये जो कर देना होता था वो देना होता था भू राजस्व का, जो भू राजस्व देते थे किसान, उसका 2.5% से लेके 5% तक था।
ये दोनों कर के जो कर का जो मेन था कि कितना था कि जो ये भू राजस्व उत्पादन के हिसाब से देते थे ना 1/3 पूरे एवरेज जो लिया जाता था उत्पादन उसका 1/3, इसका जो है 2.5 से लेके 5% तक इनको ये दोनों कर का जो है आपका रुपया देना होता था उन्हें। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। देखो किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनके पास नहीं कुछ होता था उनको सरकार जो है पट्टे देती थी खेती करने के लिए, उनके वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था, ठीक, जो भी होता था उत्पादन उसके हिसाब से फिर से उनसे क्या लगता था, लगान लेती थी सरकार, ठीक, जिसे किसान जो है कबूलियत पत्र, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन कि काबूलियत पत्र क्या होता था, तो काबूलियत पत्र ये होता था जिसके तहत क्या होते थे किसान जो है सरकार से, ठीक है, सुल्तान से आपकी जमीन लेते थे कि भैया सुल्तान हमें जमीन दे दो, हमारे पास जमीन नहीं है, हम उस पर खेती करेंगे, और उसी के बदले क्या होता था किसान जो है उन्हें लगान देते थे, ठीक है, उस आपके जो भूमि के पे जो आपका उत्पादन होता था, ठीक। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है आपका न्याय व्यवस्था, देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के समय में शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था, वो साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था, ठीक है, सभी न्याय जो है यही करता था। प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी, ये न्याय करता था इसीलिए इसे सुल्तान उल अदल की जो है उपाधि दी गई थी। उसकी न्यायप्रियता बहुत निष्पक्ष तथा कठोर थी, ठीक है। उसका कहना यह था, कहा जाता था कि एक बार कि कोई व्यक्ति जो है सोने का पूरा टोकरी लिए हुए जा रहा था, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी चोर की कि उसके पास आके खड़ा हो जाए, ऐसी न्याय व्यवस्था थी, इतने लोग उससे डरते थे। चलो, शेरशाह के काल में लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ, मैंने बोला ना कि मुंसिफ होता था जो ये न्याय का काम करता था, जितने भी उससे मुकदमे लड़ने होते थे वो कौन करता था, मुंसिफ करता था। तो शेरशाह के काल में लगान से संबंधित जितने मुकदमे होते थे उनका निर्णय कौन करता था, मुंसिफ करता था, जो परगने में होता था। तथा मुंसिफ मुंसिफान ये सरकारों में होते थे, तो इन्हें वहां सरकारों के जितने भी मुकदमे होते थे उन्हें करना होता था, ठीक। आ जाओ, फौजदारी मुकदमा जो होता था वो दीवानी मुकदमा देखते थे, और फौजदारी जो मुकदमा होता था उसे कौन देखता था, सिकादार या सिकादार ए सिकादारान, ठीक, ये लोग देखते थे। काजी जो है असैनिक मुकदमे का निर्णय करता था, जो काजी होता था, जो असैनिक ऑफिसर जो होते थे उनके, अगर उनमें कोई दिक्कत आ जाती थी उसके लिए जो मुकदमा चलाया जाता था उसे कौन देखता था, काजी देखता था। गांव के मुकदमों जो होते थे उनका निर्णय कौन लेता था, पंचायत के द्वारा, वहां के पंचायत के द्वारा निर्णय लिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे आपके सुचारू रूप से इनकी व्यवस्था थी। आगे बढ़ जाते हैं, शेरशाह की जो न्याय व्यवस्था थी अत्यंत कठोर थी, जिसमें कैद, ठीक, कोड़े देना और अंग विच्छेद, मतलब अंग में जो आपका क्या करता था वो चुभाते थे, एकदम भाले की तरह होता था वो, जो भी अगर कोई गलत काम करता था तो उनका जो है अंग अंग जो है छिदवा देते थे ये लोग, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, अब इनके बारे में जो निर्माण कार्य थे इसने कराए थे शेरशाह सूरी ने, उसके बारे में देख लेते हैं। सड़कें एवं सराय इन्होंने बनवाए, सड़कों के बारे में देख लेते हैं। शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की क्या कराया, मरम्मत कराया था इसने, ठीक। उसके द्वारा बनाई गई 4 सड़कें अत्यंत प्रसिद्ध हैं जो है, देख लीजिए। पहली सड़क कौन सी है, बंगाल के सुनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में, पंजाब के अटक तक जाती है, ठीक है, पंजाब के अटक तक जाती है, ठीक। यही आपकी क्या थी, जीटी रोड थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी जब आया था तब इसे इसने इसका नाम जीटी रोड कहा था, और वर्तमान में ये NH1 नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी रोड कौन सी थी, आगरा से बुरहानपुर। तीसरी रोड थी आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक, और चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक। आपसे जीटी रोड के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक, किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, वो कहां से कहां तक है देख लो,
बंगाल के सोनार गांव से निकलती है और कहां तक, पंजाब के अटक तक जाती है। ठीक, शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। चलो मुद्रा व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं शेर शाह सूरी के। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पुटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया चलाया। और यहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाता है भैया कि रुपया किस राजा ने चलाया था, किस बादशाह ने चलाया था, तो कौन होगा, शेरशाह सूरी होगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक, और क्या इसने चलाया था, तांबे का दाम चलाया था। ठीक है, तांबे का एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दाम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और सोलहवें भाग के भी अनेक सिक्के चलाए। जो दाम था उसके आधे, चौथाई और सोलहवें भाग के भी इसने सिक्के चलाए थे। इसके समय में बोला जाता 23 टकसालें थी जहां सिक्कों का निर्माण होता था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होते थे। यह भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना कि जो शेरशाह के सिक्के होते थे उसमें उसका जो नाम था किस लिपि में होता था, तो याद रखो या तो अरबी में या तो नागरी लिपि, आपसे जो मिल जाए ऑप्शन में वो लगा देना। आगे बढ़ जाते हैं। शेरशाह द्वारा रुपये के बारे में स्मिथ ने लिखा है, ये रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। ठीक है, एक इतिहासकार है स्मिथ, उन्होंने लिखा कि जो इसने रुपया चलाया ये बाद में वर्तमान में चलकर ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना था। शेरशाह ने राजधानी दिल्ली में और क्या निर्माण किया, दिल्ली में दान का लंगर स्थापित किया। ठीक है, दान देने का लंगर स्थापित किया जिसमें कहा जाता था कि 500 अशरफी प्रतिदिन खर्च हो जाते थे। ठीक, ये भी इसका एक उदार प्रवृत्ति का बताता है कि ये उदार कितना था। शेरशाह ने अपने ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए कभी कभी धर्म का सहारा लिया। ठीक, वो क्या था, राजनीति के लिए धर्म का सहारा लिया। उसमें क्या किया, जब ये रायसेन पर आक्रमण करता है, पूरन मल के जब वहां के शासक होते हैं उन्हें विश्वासघात के तरीके से मार देता है, तो वहां पे जो आपके मंदिर होते हैं जितने उनको तोड़वाकर वहां पे मस्जिदों का निर्माण कराता है। तो यहाँ पे थोड़ा कह सकते हो कि ये क्या हुआ, मुस्लिम धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव हो गया इसका। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने आप को राजनीतिक दिखाना चाहता था। ठीक, लोगों के बीच में जो इनके आप अमीर जो आपके अफगानी थे उनसे कि हाँ मैं ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान धर्म का नहीं आदर करता हूँ, इसी वजह से इसने क्या किया, हिंदुओं के जो है आपके मंदिर थे उनको तुड़वा दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। शेर शाह ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह याद रखना, और जो आपके सरदार होते थे उनको भी या तो जागीर देता था या आपका नगद वेतन देता था। उसके बाद से मैं बात कर लूं, जो सैनिक और घोड़े होते थे उनको दाग और हुलिया सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था उसको इसने भी जारी रखा ताकि भ्रष्टाचार क्या हो, कम हो सके। आगे बढ़ जाते हैं। इसके जो निर्माण कार्य थे, भवन वन कौन सा निर्माण कराया था इसे क्यों देख लेते हैं, भवन और इमारतें के बारे में देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की प्रकाष्ठा तथा नवीन शैली के परम का घोतक माना जाता है। ठीक है, इसने अपना जो है खुद का मकबरा जो है कहाँ है, सासाराम में इसने खुद बनवाया था। ठीक, कुछ इतिहासकार तो इसे कहते हैं कि सासाराम का जो में इसका मकबरा है वो आगरा के ताजमहल से भी अति सुंदर है। ठीक, तो जाके एक बार देख लेना तुम लोग कैसा है। उसके बाद से इसने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था, मैंने आपको बता दिया शुरू में ही बताया था, बिहार में बनवाया था इसे। दिल्ली में पुराना किला बनवाया, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पुराना किला किस शासक ने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। ठीक, शेरशाह सूरी ने कन्नौज नगर को बर्बाद कर शेरसूर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, कन्नौज को एकदम सफाया करके इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, शेरसूर नामक नगर रख दिया। ठीक, आगे चल जाते हैं। वो कौन सा कनिंगम जो है आपके इतिहासकार है उन्हीं ने कहा था कि शेरशाह के मकबरे जो हैं वो ताजमहल से भी सुंदर हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था।
कानूनगों ने इनके बारे में कहा है कि वो बाहर से तो मुस्लिम मगर अंदर से हिंदू था। ठीक, बाहर से मुस्लिम था कि दिखावा करता था कि नहीं मैं मुस्लिमों के प्रति भी उदार हूँ, ठीक मैं शासक हूँ मुस्लिम का तो मैं मुस्लिम धर्म का आदर करता हूँ, लेकिन अंदर से हिंदू था क्योंकि हिंदुओं के लिए भी इसने कई काम किए थे। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा आज शेरशाह सूरी का, आपका प्रशासन व्यवस्था उसका पूरा जो है कैसे चलाता था, उसके निर्माण कार्य क्या क्या थे, इसने क्या क्या कराए थे, उसकी मुद्रा व्यवस्था क्या थी, ये सब मैंने आपको बता दिया। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठा था वो मैंने हाईलाइट कर दिया कि शेरशाह सूरी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। अगले चैप्टर में हम अकबर के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।